अरे आओ ना जी वेटर साहब, कहाँ रह गए? मैं पिछले बार भी एक प्लेट फ्राइड राइस मंगाया था, उसमें 5 मिनट लगा दिया आप। अरे नहीं, इस बार नहीं डांटूंगा मैं आपको, नहीं डांटूंगा। पिछले बार वो क्या बोलते हैं, किरदार अलग था ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया था वो। हाँ मतलब पागल था पिछले बार में, मैंने है ना एक्सेप्ट नहीं किया था, हम एक्सेप्ट नहीं किए थे। अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पिछले बार मैं पागल बना था, वो किरदार ही कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा है। अब क्या होता है, परिस्थिति जो है ना हमें कुछ कुछ सिखाती है, कुछ अलग ही, मतलब कुछ अलग ही सिखा देती है। हर एक परिस्थिति कुछ अलग ही सिखा देती है हमें, ऐसा है वेटर साहब। अब क्या हुआ था, हम 10वीं पढ़े हैं और हम एक किसान थे, ठीक है, किसान है हम। हमारी एक सुंदर सी वाइफ है। अब सारी वारी बोलना जान जाता है हम, है ना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं तो हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, ऐसे अंग्रेज वाले सब थोड़े बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी वाइफ सुंदर सी सुमुखी, ठीक है, उसके साथ हम लोग इश्क लड़ाए, ठीक है, और शादी कर ली हम दोनों ने। और हुआ ये कि वो वहां पे नाच रहा है सब लोग, अच्छा है, नाचो गाओ, अच्छी बात है। तो हुआ ऐसे कि हम ना उसके साथ शादी मनाए और हम लोगों ने कसमें खाई थी, ठीक है, कि हम कभी रोएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए रोएंगे नहीं कभी, ठीक है, कभी नहीं रोएंगे। हाँ, हुआ ये कि हमने शादी तो कर ली पर हम ठहरे किसान, हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है, अब पैसा तो कुछ था नहीं हमारे पास, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद हमारी एक बिटिया भी हो गई, ठीक है, अब वो लगभग रही होगी 2-3-4 साल की, अब याद नहीं आता हमें कितने साल की रही होगी, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि एक दिन हम किसानी करके घर आए, ठीक है, अब फसल तो बर्बाद थी, ठीक है, और घर में खाने को कुछ था नहीं, पैसा तो कुछ था ही नहीं घर पे। तो हुआ ये कि मैं आया घर पे, सुमुखी जी जो हमारी हमारी वाइफ है वो वहां पे बैठी थी और बोलते हैं, बिटिया के पापा कुछ कुछ लाए हो क्या, कुछ मतलब कुछ खाने के लिए लाए हो? तो हम बोले, मैं हाँ, हंसते हंसते बोले कि अरे फसल तो बर्बाद हुई है। अब हमें लगा कि चलो, मतलब हमने तो कसम खाई रखी है कि रोना तो है ही नहीं, तो ऐसे ही हुआ कि वो तो ठीक है, खाने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है, एक दिन से भूखी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले हम। तो हुआ ये, अब सुन लो भैया, इधर कुछ ज्यादा बातें मत करो, ठीक है, थोड़ा इधर भी सुन लो। हाँ, तो होता यह है दूसरे दिन कि कोई एक कलेक्टर, मतलब कोई एक बंदा आता है और हमें काम करने के लिए ले जाता है, ये बोल के कि आपको बहुत पैसा देंगे, आप बस कुछ दिन के लिए हमारे कंपनी में काम करो, सीमेंट वेमेंट उठाने का कुछ काम। फिर क्या किया उसने, जो होता है वही होता है, सबके साथ वही होता है, फंसा दिया हमको, हम आए फिर से खाली हाथ। अब 5-6 दिन हो चुके थे, सुमुखी हमारी वैसे ही, मतलब वैसे की वैसी भूखी ही थी, भूखे पेट वही पे मतलब थी। और हुआ ये, हम बोले फिर से आस्ते आस्ते बोले, अरे सुमुखी क्या हुआ, हम आ गए, फिर से फंसा दिया हमको। हम तो फंसते ही आ रहे पहले से, अब क्या करे, फंस गए। अब हुआ ये, सुमुखी जो थी उसको हमने पूछा कि बिटिया कहाँ है, तो बोलती है कि खाने के लिए कुछ था नहीं तो उसको नानी के यहाँ भेज दिया है। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसको, सुमुखी को हुआ ये था कि उसको थोड़ा सा बुखार आ गया था, ठीक है, उसका बुखार आ गया था। हम बोले अब 5-6 दिनों से तुम खाई नहीं हो तो बुखार आएगा ही ना, तो बोलती है बिटिया के पापा थोड़ा बहुत खाना ले आओ। तो हम बोले थे राशन कार्ड तो रखे थे घर पे, हमने उसको बोला कि राशन कार्ड तो लेके तुम खुद ला सकती थी खाना। तो बोलती है कि सरकार ने नया नियम लागू किया है कि आधार कार्ड चाहिए। अब हम बोले आधार कार्ड तो फिर कैसे करे, आधार कार्ड तो है ही नहीं हमारे पास। हम गए वो ऑफिस में गए और आधार कार्ड बनाने, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी और बहुत फास्ट है हमारी सरकार। ये क्या, आधार कार्ड के लिए मैंने जो डिटेल्स दिए थे तुरंत उसने आधार कार्ड बना दिया, ठीक है। अब फिर से घर आया मैं, सुमुखी को बोला
दूसरे दिन खाना हाजिर हो जाएगा सुमुखी, बिल्कुल टेंशन मत मतलब तुम, ठीक है सब हो जाएगा। ठीक है, अब बोला उसको कि सुमुखी तुम टेंशन मत मतलब, ठीक है अगले दिन आधार कार्ड बन जाएगा, मैं खाना ले आऊंगा। आधार कार्ड बना, ठीक है, दूसरे दिन आधार कार्ड बन के आया, मैं सुमुखी को बोला था, और वो भी हंसते हंसते बोल रही है बिटिया के पापा थोड़ी तबीयत मेरी और खराब लग रही है तो हम कैसे करें। ठीक है, तो फिर उसको बोले हम कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम में नहीं, हम वो आधार कार्ड लेके आते हैं, वहां पे जाते हैं और खाना लेके आते हैं, ठीक है हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम गए आधार कार्ड लेके उस राशन वाली दुकान में जाते हैं तो बोलते क्या है पता है, वो लोग बोलते ये है कि तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, इस कारण हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते। हम बोले ऐसा कैसे, कल तो आप बोल रहे थे आधार कार्ड ले आप खाना ले जाओ। हम बोले ऐसा कैसे यार, मतलब हम तो थोड़े मतलब खुश मिजाज आदमी हैं, ठीक है तो हमें कुछ मतलब टेंशन में तो आता ही नहीं है। सुमुखी भी वो बीमार थी पर वो हंसी जा रही थी, मतलब स्माइल ही कर रही थी और हम भी स्माइल ही कर रहे थे। हम खुशी खुशी से क्या किए, अब वो हम लड़ाई पे आ गए कि हम बोले कि हमको खाना चाहिए, हमारी बीबी मर जाएगी और वो भी खुशी खुशी मर जाएगी, और वो सुनी नहीं रहे, नहीं सुन रहे वो लोग, अब क्या करें। हम गए उसके पास, गए उस बंदे के पास और लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। उसने दो तीन आदमियों को बुलाया और हमको बाहर फेंक दिया। अब हुआ ये कि हम गए और इस स्टाइल में चोरी कर दी हमने और खाना ले लिए, धूम टू स्टाइल में चोरी की हमने, ठीक है खाना लिए और गए घर पे गए तो सुमुखी वहां पे आराम से लेटी पड़ी है, उसकी आंखें बंद है। हम बोले सुमुखी जी उठिए, हम बहुत सारा खाना ले आए हैं और वो भी बहुत ही अच्छी स्टाइल से चोरी करके लाए हैं, उठिए सुमुखी जी उठिए। अरे उठ क्यों नहीं रही है सुमुखी जी, आप उठती क्यों नहीं, उठिए। ठीक है, हम गए उसके पास, उसका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। ठीक है, अब एक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ये मतलब कुछ हो तो नहीं गया सुमुखी, मैं तो स्माइल ही कर रहा था, हमने कसमें खाई थी कि स्माइल ही करना है कोई भी परिस्थिति आ जाए। ठीक है, अब हुआ ये कि वो और वो भी स्माइल ही कर रही है, ठीक है वो उठी नहीं रही है। हम बोले सुमुखी जी ऐसा मत करो, हम ले आए हैं खाना, उठते क्यों नहीं आप, उठिए ना सुमुखी जी, उठिए सुमुखी जी। अरे उठते क्यों नहीं आप, उठिए। हम स्माइल करते हुए अभी भी बोलते हैं कि वो खुशी खुशी मर गई, ऐसा हुआ। और मतलब हम क्या बोले ना, मर गई वो, और हम स्माइल कर रहे थे, अभी भी स्माइल करते हैं हम, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोलू कि सरकार होता है ऐसा, सबके साथ होता है। परसों भी ऐसा ही हुआ था, झारखंड में कहीं ऐसी एक घटना हो गई थी, तो सुमुखी जी ऐसे हंसते हंसते मर गई और मैं हंसते रहा। अरे सुमुखी जी उठिए ना सुमुखी जी, अरे सुमुखी जी उठते क्यों नहीं हो, अरे मैं ऐसे नहीं, मैं हम नहीं जी सकते आपके बिना, हम माफ कर दीजिए, हम ऐसे स्माइल नहीं कर सकते, हम हमेशा स्माइल नहीं कर सकते सुमुखी जी, उठती क्यों नहीं आप सुमुखी जी, अरे उठिए ना सुमुखी जी, उठिए ना सुमुखी जी उठिए। ऐसे करते करते उनको विदा कर दिए हम, ऐसे हुआ सबके साथ। तो ऐसे अभी भी होता आ रहा है, सिंपल आधार कार्ड लिंक न होने के कारण एक बच्ची झारखंड में मर गई, और यही हुआ है हमारे साथ भी, और यही होते आने वाला है, ऐसे होता है। समझ गए वेटर, सब समझ गए। अब एक प्लेट फ्राइड राइस ले आओ यार, चलो जल्दी ले आओ फ्राइड राइस। 5 मिनट हुआ ना क्या फ्राइड राइस तुम्हारा, आओ यार।